Hi guys, what's up and welcome back to my channel. My name is Shivani and आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अफोर्डेबल मिनिमल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप एवरीडे वेयर में भी ऑफिस गोइंग गर्ल हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप डेफिनेटली ये वाला लुक कैरी कर सकते हो. कॉज ये बहुत सिंपल है, हार्डली 6 to 7 स्टेप्स आपको लगेगा इसको अचीव करने में. एंड आप कुछ अपने हिसाब से ना इसमें एड ऑन भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लाइक अंडर ₹300. तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है. कुछ ऐसा लुक है, बहुत ही ईजी, क्लासी एंड यू नो बहुत ही कम टाइम में आप इसको कर सकते हो, हार्डली 10 to 15 मिनट्स. एंड इसमें कोई भी मैंने फाउंडेशन यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल, ग्लैम, एलिगेंट. एंड यस, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर लो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना, मेरा हैंडल है Shivani_Damani45. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी. ये स्विस ब्यूटी का माइक्रो प्रिसिजन आईब्रो पेंसिल से मेरा मोस्ट फेवरेट है एंड ये बहुत अफोर्डेबल है. एंड मेरा इसमें शेड है आई गेस ऐश ग्रे शेड है या जो भी होगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली इसको चेक करना. इसमें एक साइड आपको स्पूली मिलेगा एंड दूसरे साइड में यू विल गेट द ब्राउ स्टिक. चलिए, आज मैं काफी टाइम बाद मेकअप वीडियो बनाने बैठी हूँ, बट मैं कंटिन्यू डालूंगी वीडियोस यार, क्योंकि जरूरी है डालना. फटाफट से अपने आईब्रोज को मैं ऐसे स्पूली से कोम्ब कर लेती हूँ. एक्चुअली भी मेरा आईब्रोज भी बना हुआ है एंड मैं यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ फिल करना. एज यू कैन सी यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स तो, एंड ये उतना भी पिगमेंटेड नहीं है. लाइक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे को काफी पसंद है ये वाला प्रोडक्ट. एनीवे कम्प्लीटली बेयर फेस है, आप जैसे देख सकते हो. कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको फिल करना है अपने एरिया जहां जहां पे गैप है, लिटिल बिट. दैट्स इट. आप चाहे तो आप आईब्राउ जेल भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. मेरे को ना आईब्राउज नेचुरली रखना बहुत पसंद है, ओवर थोड़ा अजीब लगता है मेरे को. स्टार्टिंग में तो मैं बड़े अजीब तरीके से आईब्रोज फिल करती थी. ओके, उस टाइम मैं बिगनर थी, मतलब उतना नहीं आता था. लाइक मैं कुछ भी कोई भी कलर लेके बस मेरे को अपना आईब्रो मोटा मोटा करना था, रगड़ना था. मतलब सबका स्टोरी होता है, आप भी कभी अपना स्टोरी कमेंट्स में शेयर करो कि आप यू नो किस तरीके से अपने आईब्रोज को फिल करते थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा वाला तो बहुत ही वियर्ड था. आई गेस ये मिस्टेक हम लोग सभी किए होंगे अपने चाइल्डहुड में, या हम लोग को मेकअप का शौक है तो यू नो स्टार्टिंग में उतना तो कुछ नॉलेज रहता नहीं है, बस करना होता है. तो ये मिस्टेक आई गेस सब लोगों ने किया. यस, आईब्राउज डन. एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर से. एंड ये इनसाइट का अभी मेरा मोस्ट परफेक्ट एंड फेवरेट प्राइमर है, प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर. अगर आप ड्राई स्किन वाले हो, लाइक सीरियसली आपका स्किन बहुत ड्राई होता है, देन आप ये वाला प्राइमर में इन्वेस्ट करो. आप इसका मिनी वर्जन खरीदो. मैंने इसका मिनी खरीदा था सिर्फ 99 रुपीज में. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. एंड आपको बस एकदम थोड़ा सा लेना है प्रोडक्ट, ठीक है. एंड अब मैं इसका फुल साइज ऑर्डर करने वाली हूँ. मैंने इतना सा लिया है. मैं इसको यहाँ अपने चिक्स में हल्का सा लगाना चाहूंगी, क्योंकि वहां मेरे थोड़े थोड़े पोर्स है, ठीक है. इस तरीके से उसको ना घसना मत, डैप डैप मोशन में स्किन में उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूं कुछ इस तरीके से. प्राइमर कभी आपको स्किप नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट मी. ये बहुत हाइड्रेटिंग प्राइमर है, एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा प्राइमर है. अगर अफोर्डेबल में आपको प्राइमर चाहिए, ड्राई स्किन वाले हो, आप एक बार ये वाला जरूर ट्राई करो, बिकॉज ये ना आपको पसंद आने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ. उसके बाद मैं इनसाइट का अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन यूज करूंगी. मेरा शेड है इसमें 03 सन बेज एंड बहुत अच्छा कवरेज है इसका, बहुत लाइट वेट है. हाँ, ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट एवरीडे के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड इसका टेक्सचर रनी है, एज यू कैन सी, ठीक है, काफी अच्छा है. एंड मैं बस उसका 1 या 2 ड्रॉप जितना ही प्रोडक्ट लूंगी एंड उसमें मैं एक मैजिकल प्रोडक्ट मिक्स करूंगी, जो कि मेरा फेवरेट है दीज डेज. ये एनवाई बे का 3-in-1 स्ट्रोब क्रीम मेरा बहुत फेवरेट है. मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला. इसमें है हाइलाइटर प्लस मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर, बट मैं इसमें नहीं मानती हूँ. मैं अपना यू नो प्राइमर लगाना पसंद करती हूँ. एंड मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर रही हूँ, एज यू कैन सी, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि इसका ग्लो बहुत अच्छा है, इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। फिर आपको इसको मिक्स करना है। आप चाहो तो आप ब्रशेस से भी लगा सकते हो या स्पॉन्जेस भी यूज कर सकते हो, बट मैं पर्सनली अपने हाथों से ही लगाना ही ना पसंद करती हूँ फॉर एवरीडे में, क्योंकि मैं उतना यू नो टूल्स वगैरह यूज नहीं करती हूँ एवरीडे में अपने फेस में। जस्ट मेरे को अगर आईज वाइज में कुछ करना होता है देन ही मैं यूज करती हूँ, बट अदरवाइज नहीं, फिंगर से काम हो जाता है मेरा। एंड तो जिस तरीके से एकदम भी मैं फुल कवरेज मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ एवरीडे में, एकदम लाइट वेट नेचुरल जो कि यू नो स्किन में अच्छा लगे। एंड ये एग्जैक्टली यू नो मेरे स्किन का ही प्रोडक्ट है। मेरे को ये वाला यू नो बहुत आज मैं बहुत दिन बाद लगा रही हूँ। इसमें हल्का सा फ्रेग्रेंस है, तो मेरी बहनों जिनको फ्रेग्रेंस नहीं है पसंद, दूर रहो उससे, और जिसका फेस एलर्जिक है वो भी दूर रहो। बट आप देख सकते हो इसका कवरेज ना के बराबर कवरेज है। कुछ इस तरीके से मैं डैप 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 करके लगाती हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे पिंपल निकला हुआ है। एंड एवरीडे में मैं कोई कंसीलर भी नहीं लगाती हूँ, कॉज जैसा है मैं वैसे ही रहने देती हूँ। मैं बस अपना हल्का से यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे लगा लेती हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एवरीडे में मैं कोई यू नो आईज के नीचे कंसीलर, हाँ अगर मेरे को भी प्रेजेंटेबल कहीं अच्छा जगह जाना है, लाइक यू नो फुल डे का कोई प्रोग्राम है, देन मैं करना चाहूंगी फुल मेकअप, बट एवरीडे के लिए लाइक नहीं। एंड कुछ ऐसा लग रहा है मेरा स्किन विद दीज टू प्रोडक्ट्स। मेरे को अच्छा लगता है ये दोनों का मिक्सचर, एंड मैं इसको काफी टाइम बाद यूज कर रही हूँ, तो मेरे को ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई गेस ये मेरा एकदम स्किन का ही मैच है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ब्लश में। एंड मैं अपना फेवरेट लगाने वाली हूँ, ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश। इसमें मेरा शेड है फ्लैशी पिंक, बहुत अच्छा ब्लश है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड ये ग्लो भी देता है आपके स्किन में। तो फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं। एंड काफी यू नो एवरीडे न्यूट्रल शेड है। स्माइल एंड अप्लाई, स्माइल एंड अप्लाई। पता है मेरे को यहाँ पे ब्लश लगाना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत यू नो फ्लशी सा चिक्स आपका दिखेगा। एंड ये ब्लेंड भी बहुत ब्यूटीफुली होता है, लेकिन एक शाइन छोड़ेगा आपके चिक्स में। बहुत मस्त ब्लश है। लाइक ये ना आप ये वाला प्रोडक्ट ना मिंत्रा से खरीदो, क्योंकि अगर आप दो प्रोडक्ट लोगे ना तो आपको 55% लिटरली ऑफ मिलेगा दोनों में। तो आप कुछ अभी भी लेना हो, आप एक बार मिंत्रा से ये वाला ब्लू हेवन का प्रोडक्ट जरूर ट्राई करो, चाहे कुछ भी लेना हो। ठीक है, ब्लश लगने के बाद अब मैं अपने फेस को सेट करूंगी यूजिंग दिस मार्स का लूज पाउडर। मेरा शेड है इसमें आई गेस ट्रांसलूसेंट, एंड आप देख सकते हो ये हर जगह घूम रहा है। कुछ इस तरीके से मैं यू नो थोड़ा मतलब आईज के अराउंड यू नो सेट करना मेरे को अच्छा लगता है। मैं यू नो फुल फेस अपना बिल्कुल भी सेट नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा स्किन ड्राई है, तो अगर फुल फेस में सेट करूंगी तो वो और ड्राई हो जाएगा। एंड सारा ही मैं यू नो डूई प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो फिर उसको सेट करके फायदा ही क्या है। बारी आता है आईज का, तो मैं आईज में मेरे को मस्करा लगाना बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेरा फेवरेट पार्ट है। एंड मस्करा मेरे को ना वाटरप्रूफ एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि वो ना आपके लाशेज में चिपक जाता है, और उसको निकालना बहुत एक टफ टास्क है, तो इसीलिए ये वाला मेरा फेवरेट है। एंड ये काफी अच्छे से ना आपके लाशेज एंड ये ना काफी अच्छे से आपके लैशेस को होल्ड करता है। मेरे को इसका यही बात अच्छा लगता है। ये मेरा काफी फेवरेट है। एंड आई डोंट नो ये मेरा कितना वाला बॉटल है, क्योंकि मैंने इसको बहुत खरीदा है। एंड हमेशा ये आपको सेल के टाइम में ना अराउंड 250 के मिल ही जाएगा, तो आप एक बार वो सब भी डील्स चेक किया करो, क्योंकि ना सेल के टाइम में मेकअप खरीदना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एकदम चीप डील में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, फिर चाहे वो नायका हो या मिंत्रा हो। एंड थोड़ा सा मैं नीचे भी लगाती हूँ। दोनों आईज में मस्करा लग गया है। अब बारी आता है लिपस्टिक लगाने का, एंड मैं लिपस्टिक के बजाय लिप ग्लॉस लगाती हूँ L18 का, क्योंकि मेरा फेवरेट है। एंड अगेन मेरे को ये अच्छा लगता है। ग्लॉसेस यू नो ग्लॉस बॉस मेरे को काफी पसंद है ग्लॉसेस। इट इज काफी प्यारा एक न्यूड कलर है, लाइक ये ना इसमें थोड़ा ऑरेंज का भी हिंट है, ऑरेंज ब्राउन। मैं थोड़ा शाइनी शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी मेरे को अच्छा लगता है। लिपस्टिक कंप्लीट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ, आई गेस ये 6-7 स्टेप में कंप्लीट हो गया है मेरा एवरीडे मेकअप। मैं यूज कर सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल में, एंड ये अच्छे से यू नो आपके बेस को लॉक भी करके रखता है। तो फटाफट से इसको स्प्रे करते हैं। काफी प्यारा 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 पूरी नहा चुकी हूँ मैं। बट हाँ, ये सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छे से ना आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। बट हाँ, डोंट टच योर फेस जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन में, ठीक है। एक्सीडेंट आप चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा डार्क कर सकते हो, बट उसका भी जरूरत नहीं है। कॉज रहने दो, जितना पाउडर प्रोडक्ट है वो सब मेल्ट इन हो जाएगा आपके स्किन में। और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा ट्रांजिशन वगैरह करने के बाद। तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक, बहुत ही इजी, सॉफ्ट, नेचुरल, एंड मैंने कोई भी इसमें लैशेज या लेंसेज कुछ नहीं पहना है। बहुत ही अफोर्डेबल है, आप एवरीडे में भी इसको कैरी कर सकते हो, आप घर बैठे इसको सीख सकते हो। हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड कुछ ऐसा ही मेरा मिनिमल मेकअप लुक लगता है एवरीडे के लिए। बहुत ही इजी, परफेक्ट, बहुत ही नेचुरल, ग्लोई प्लस डूई। तो डेफिनेटली ये वाला ट्राई करना, एंड मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।